हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछे गए हैं, और इनके आंसर शायद ही आपको पता होंगे। तो चलो फिर दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, वह कौन सा प्राणी है जिसे कोई आवाज ही नहीं है, और इसका सही आंसर था जिराफ, जिसकी कोई आवाज यानी साउंड नहीं होता है। रॉजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो जीके से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्पोर्ट्स कैटेगरी के सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है टेनिस। कौन सी पहाड़ी है जो रोज अपना रंग बदलती है? तो कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया था 40,000 के अमाउंट के लिए, और इसका सही आंसर है उलुरु पहाड़ी, जो कि रोज अपना रंग बदलती है और ये ऑस्ट्रेलिया में है। इंसानी नाक कितने प्रकार के सेंट को महसूस कर सकते हैं? तो जीके से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है लगभग 5,000। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? तो कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया था 10,000 के अमाउंट के लिए, और इसका सही आंसर है यमुना रिवर। तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। एक डोंग यानी कितने रुपीस होते हैं? तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना होता है, और डोंग जो कि वियतनाम की करेंसी है, उसकी आज की वैल्यू है लगभग 0.0032 रुपीस। और दोस्तों, ये करेंसीज के रेट हर दिन चेंज होते रहते हैं, तो कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जाने से पहले ये सारे रेट जरूर चेक कर लो। कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता? तो जीके से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है कैमल यानी ऊंट, जो कि लगभग 7 महीने तक बिना पानी के रह सकता है। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड का फुल फॉर्म बताना होता है, और बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सफेद लीली किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है इटली, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, और इसका नेशनल फ्लावर जो है वो सफेद लीली है। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि किसने किसने इसका आंसर सही दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे 10 जीके के क्वेश्चन जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, आईक्यू के क्वेश्चंस और बहुत सारा जनरल नॉलेज शेयर किया है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्द मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।